कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है ना, दोपहर से स्टार्ट है, क्योंकि आपको पता है छुट्टियाँ बच्चों की पड़ चुकी हैं, तो बच्चे भी जो है ना अपने आराम से थोड़े से उठते हैं। इनके इतनी आराम से नहीं उठते, मेरे बच्चे जो है उठ जाते हैं 8 बजे, 8:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा कभी देर उठ जाती हूँ, कभी सुबह उठती हूँ, तो फिर दोबारा थोड़ा सो जाती हूँ। तो चलें जी, अभी दोपहर हो रही है और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वो देखिए मोहम्मद अली क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी एक अलमारी रखी हुई है जिसमें क्रॉकरी है, और वो भी कभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और उसकी जो है ना चाबी निकालते रहते हैं, बस यही काम है मोहम्मद अली का। और चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, ये अरवी है और अरवी इसको छीलते हैं हम लोग, और आज अरवी गोश्त बनाएंगे। तो चलें जी गाइस, ये देखें, ये मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज ले ली हैं। आप अपने घर के हिसाब से प्याज लीजिएगा, जितना आपको सालन रेडी करना हो। और ये 1.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलें जी, ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ अरवी गोश्त। तो चलें जी, चलें जी, अभी इसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ। चलें जी, ये 1 चम्मच जो है ना मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। मेरी मिर्चें तेज़ हैं, हर वीडियो में हर व्लॉग में मैं कहती हूँ। तो और ये 1 चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ, और ये 1 चम्मच मैंने गर्म मसाला डाल दिया। चलें गाइस, ये देखें, ये गोश्त भी हमारा गल चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े बड़े टमाटर डाल दिए हैं, और मैं अरवी भी इसमें ही डाल रही हूँ। ठीक है, अरवी को नमक के पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि अरवी भी ना हमारी अच्छे से गल जाए। चलो, इसमें पानी भी डाल के चलिए गाइस, ये देखिए ये रेडी हो चुका है हमारा गोश्त, अरवी गोश्त, और ज़बरदस्त सा लग रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और फिर मैं इसको डिश में निकाल। चलिए गाइस, ये हमारा अरवी गोश्त रेडी हो चुका है, और बहुत भूख लग रही है बच्चों को भी, मुझे भी। तो चलें जी, खाना खाते हैं हम लोग। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ केक वेक भी बना लूँ। तो चलें जी, पहले मैं इसमें क्रीम डालती हूँ। कोई सी भी क्रीम ले लें आप, मैंने तो मिल्क पैक की है। जो नए लोग होंगे ना, वो कहेंगे मैं हंस क्यों रही हूँ, और जो रूटीन में देख रहे होगा ना मेरे ब्लॉग, वो कह रहा होगा कि वाकई में क्यों हंस रही हैं, समझ में आ गया होगा। क्योंकि पिछली दफ़ा क्या हुआ था मेरे साथ कि मिल पैक की जगह मैंने ऑल पर बोल दिया था। तो चले, अब मैं इसमें कलर डालूंगी, फूड कलर डालूंगी, ठीक है, और फिर और करेंगे हम। ये अभी साइड में कर दूँ, और ये वाला जो फूड कलर है मैं आपके लेकर आई थी, देखिए मैंने चेक किया है हाथों पे, और कि ये कलर समझ में नहीं आ रहा था मेरे बिल्कुल भी, कि अंदर से मैं दिखाती हूँ, ठीक है। और देखिए मेरे हाथ कैसे कलर कलर वाले हो रहे हैं, असल में अंदर से जो है दूसरे कलर का है, और वैसे ये ब्लू कलर दे रहा है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो चलें जी, ये इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं और देखते हैं कैसा कलर आता है, ठीक है। चलें, ये देखिए ज़्यादा नहीं, बस ठीक है जी। चलें जी, ये तो ब्लू कलर निकल रहा है ज़बरदस्त, और अच्छा हो जाएगा ये, ज़बरदस्त। वाह, फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से बना रही हूँ, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयरिंग कर देनी है, ठीक है। तो मैं कलर जो है ना थोड़ा सा डार्क करूँगी, और या नहीं यार, ये हो रहा है कुछ बहुत तेज है, ज़बरदस्त कलर कुछ बन रहा है।
ज़बरदस्त रहा है। ये देखिए अल्लाह करे बहुत अच्छा सा केक बन जाए, जैसे मैं चाह रही हूँ, तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। तो चले जी, चलें जी ये चेक करते हैं ये हो चुका है या नहीं। ठीक है, और बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, कारी साहब आ चुके हैं, तो मैंने कहा जल्दी से ये देखिए हो चुके हैं हमारे कपकेक, तो हम निकालते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए मैंने कपकेक निकाल लिए हैं, और इसके लिए मैंने क्रीम रेडी की थी ये ब्लू वाली, और मैं इसको अब रेडी करूँगी इसके ऊपर लगा के। तो देखें चले जी, इस पे हम लगा रहे हैं, और मैंने कहा इस तरह से थोड़ी पतली हो गई है ये, थोड़ी और मैं करती तो ऐसा ही होता, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और जल्दी जाना चाह रही हूँ मैं किचन से। तो चले जी, ये देखें जी ज़बरदस्त। जी मैंने गोल वाला जो बनाया था वो वाला भी केक निकाल लिया है, और ये देखें जी थोड़ा पतली हो गई है हमसे जो है ना क्रीम। इंशाल्लाह आगे जो है ना सही थोड़ा सा आइंदा ख्याल करूँगी चीज़ों की। बच्चे बड़े इन्जॉय करेंगे इन कप्स केक को, तो मैं इनको दे देती हूँ ताकि ये लोग खाएँ और इन्जॉय करें। तो चलिए गाइस फाइनली मुझे बताइएगा कि मेरे कपकेक कैसे बने हैं, और ये देखें ज़बरदस्त से जो है ना मेरा ये वाला केक भी कैसा बना है, तो ज़रूर बताइएगा। और आज ब्लू कलर का मैंने यूज़ किया है, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेस रहा है मेरा। इंशाल्लाह मैं गाड़ी वाला भी केक बनाऊंगी और आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें भाई कपकेक बने हैं बहुत ज़बरदस्त, और मोहम्मद अली शोर मचा रहे हैं। तो चलें जी ये वाला केक जो है ना मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको कि कितना सॉफ्टी सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना है। चलें ज़बरदस्त सा ये हमारा केक रेडी हो चुका है। ठीक है जी, चलें जी ये ज़बरदस्त सा मेरा केक रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त सा लग रहा है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ये देखें जी। ठीक है गाइस, फाइनली मैं जो मुस्तैन के साथ आ गई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी थकन सी हो गई थी, तो हमने कहा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे और थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। तो चलें जी आज का व्लॉग यहीं तक था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना मत भूलिएगा।